ओके मोनिका खुशी हाँ जय सचिदानंद। दादा नो गीत मारे गाबू छे, दादा नो गीत मारे गाबू छे, प्रेम नो अमृत पाऊ छे, प्रेम नो अमृत पाऊ छे, दादा नो गीत मारे गाऊ छे, दादा नो गीत मारे गाऊ छे, दादा भजननी रड़ मन लागे, दादा भजननी रड़ लागे, भक्ति रस मालाहू छे, भक्ति रस मालाहू छे, दादा नो गीत मारे गाहू छे, दादा नो गीत मारे गाहू छे, पव सागर मानैया मारी डोले, भव सागर मानैया मारी डोले, सामे किनारे मारे जाऊं छे, सामे किनारे मारे जाऊं छे, दादा नो गीत मारे गाऊं छे, दादा नो गीत मारे गाऊ हेलो छे, जीवन गो अहेड मारू बनी उबकारे, जीवन मारू बनी उबकारो, दादा शरण मारे ऊ छे, दादा शरण मारे ऊ छे, दादा नो गीत मारे गाऊ छे, दादा नो गीत मारे गाऊ छे, दादा तमारी आज्ञा मरहिने, ज्ञानानामृत पीबू छे, दादा नो गीत मारे गाबू छे, दादा नो गीत मारे गाबू छे, दादा वितरागी दीक्षा पामे, दादा वितरागी दीक्षा पामे, दादा जीव मरथाऊ छे, दादा जेऊ मरथाऊ छे, दादा नो गीत मारे गाऊ छे, दादा नो गीत मारे गाऊ छे। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। ओके प्रदीप दादा, आप त्री मंत्र को बुलाए, बाण को फॉलो करेंगे। ओके जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानं। नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। ऐसो पंच नमुक्कारो नमस्कारो, सर्वपाप प्रणाशनो सर्वपाप प्रणाशनो,
मंगलानं च सर्वेशिं परमं हवै मंगलम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो वासुदेवाय ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद हे खुशी विधि हाँ जय सच्चिदानंद हे दादा भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी संगत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो जाए मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं। ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय नैतिक और शुद्ध बनी रहूंगी ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ। मैं उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कैसा रहा मम्मी के साथ? हाँ अच्छा रहा था मेरा पापा के साथ नहीं अच्छा रहा था। क्या हुआ था? वो आज मैंने कुछ ऑफिस का काम किया था और मैंने पूछा कि ये मतलब सही है तो मतलब उन्होंने बोला हाँ आधा सही है आधा गलत है। तो फिर मैंने बोला मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ मुझे ये सब मालूम नहीं पड़ता। तो वो थोड़े गुस्से हो गए तो मुझे अभाव आ गया था। ओके जब कोई हमें गलती बताते हैं तब हमें क्या करना चाहिए? जस्टिफाई करना चाहिए कि कान पकड़ना चाहिए? कान पकड़ना चाहिए। तो ये जब हम जस्टिफाई करते हैं ना तब हमारी एटीट्यूड क्या है? सुधरने की है या समाधान देने की है? गलती क्यों की वो समाधान देते हैं जो गलत है। अगर आप बोल देते कान पकड़ के डैडी मेरी गलती हो गई मैं सीख रही हूँ अब नहीं करूंगी समझ में आया? हाँ। तो पूरा फर्क पड़ जाता है। हमारा एटीट्यूड हम्बल यानी हम लघु भाव से लघुतम होने की भावना करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह से हमारा गुरु भाव काम करता रहता है। समझ में आया? हाँ। जय सच्चिदानंद। कितना उठ पेश किया था पापा के सामने? कान ही नहीं पकड़ा तो उठबेस का कहां बैठने का सवाल। आज अभी कान पकड़े हो तो वो तो प्रैक्टिस पढ़ो तुरंत उठबेस करने का। हे चिनाय। हां जी चिनाय। हे दादा भगवान मुझे बताए ने समझने में जो बाधाएं अंतराएं आते हैं जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूं। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो ऐसी शक्ति आप हमें दे सकता। अभी ये लोग कोई प्रेयर बोलते हैं दूसरे सब अपने आंख बंद करके वो प्रेयर फॉलो करना होता है। अरुष क्या करते हो? यू मस्ट फॉलो जब कोई और बोलते है ना तो आपका भी रिविजन हो जाता है। नवनिधि समझ में आया? ओके दादा भगवान हम हैं आपके बच्चे बच्चे दिल के हैं सच्चे
जिनके हैं सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। देखो विशाल, दर्शना, तीर्थ, आरुष, नो रिपोर्ट। ओके, अभी क्या दीपक दादा क्या बताया, सीरियस नहीं है। और जिसने रिपोर्ट लिखा उसका टाइटल मैंने दे, ये तीन अपना ये नियम एक्सेप्ट अव्यय में नहीं देखा हमने, और आज से वो भी चार्ट करने का। ओके, एवरीडे वो तीनों गोल में से चार, वो जो तीन नियम है ना उसके चार्ट बनाने। ओके, चिनाई, खुशी, नवनिधि रिपोर्ट में मैंने नहीं देखा, जिया दीदी नहीं देखा। ओके, ओनली अव्यय, अव्यय ना जिया, यू आर ओके, आपको तो अभी वेकेशन में हो, सॉरी आपको है, ठीक है। और अव्यय ने लिखा और तीनों गोल नियम लिखा है और उसका भी चार्ट बना। ओके ओके, खुशी अहमदाबाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा पहला नियम है ये है कि मुझे सुबह 6:30 को उठना है, तो आज मैं उठ गई थी। मेरा दूसरा गोल ये है कि मुझे मैथ्स में अच्छा होना है, पर आज मैंने मैथ्स नहीं किया था क्योंकि आज मैथ्स का लेक्चर नहीं था और मैंने घर पे भी नहीं किया था मैथ्स। मेरा टारगेट क्या है मैथ्स का, आपको 25 क्या करना है वो डिसाइड करना है ना। डिसाइड नहीं करा, अच्छा करने का मतलब क्या है, व्हाट इज योर अकम्प्लिश, कैसे करेंगे गोल को, 5 करेंगे तो भी अच्छा है, 25 करेंगे तो भी अच्छा है, 50 करेंगे तो भी अच्छा है। आप समझ में आया? हाँ। विल यू मार्क, जितने में से 100 में से देने का है, 25 में से देने का, 5 में से देने का है, वो नंबर डिसाइड करो, नहीं तो हाफ एन आवर मैथमेटिक्स करना है ऐसा करके करो। हाँ? हाँ। और टाइम क्या है मैच करने का, टाइम क्या है? 2 hours टाइम घड़ी में, when? टाइम घड़ी में, not टाइम, not how long, कितने बजे से कितने बजे तक? हाँ, 3 to 5 2 hours मैच आप करेंगे, 500 सम करने वाले 2 कलाक में, ये आप ना स्केड्यूल अच्छा, गिव मी योर टाइम टेबल। तो आज 3 to 5 में क्या किया, आज बिटवीन 3 और 5 क्या किया आपने, नहीं किया तो क्या किया? नहीं, वो मैं दूसरा कर रही थी, मेरा होमवर्क था तो वो अच्छा टाइम टेबल नहीं है ना, कर रही थी तो टाइम टेबल अच्छा करो, दैट्स नॉट अ गुड टाइम टेबल। ओके चिनाई, हां जी सचिदानंद, मेरा पहला गोल ये है, जोर से बोलो नहीं सुनाई देता। हां जय सचिदानंद, मेरा पहला गोल ये है कि एक्स्ट्रा स्टडी में मुझे मैथ्स 2 hours करने हैं, जिसमें मुझे 30 सम्स करने हैं, बट आज मैंने नहीं किया क्योंकि आज मेरा स्कूल का टाइमिंग डिफरेंट था और मैंने मैथ्स टीचर भी नहीं आई हुई थी, और मुझे 1 hour एक्स्ट्रा केमिस्ट्री के लिए देना है, तो मैंने आज केमिस्ट्री में किया था 1 hour, और केमिस्ट्री में मैंने 1 hour में 10 सम्स किए थे, और हेल्थ में मैंने, मेरा ये गोल था कि मुझे सुबह 6:30 को उठना है, तो आज मैं 6:30 को उठी, और प्रेयर मुझे 3 times बोलनी है खाने से पहले, तो मैंने आज बोली की थी, और दादा के ज्ञान में मुझे पहली कलम ब्रेक नहीं करनी थी, आज मेरे से ब्रेक हो गई थी मम्मी के साथ, जब मम्मी ने मुझे काम दिया तो मैंने उससे एक बार मना किया, तो इसलिए मम्मी ने दरअसल आप हंसते है तो आप रिपोर्ट नहीं भेजा है, शांति भाई आपने रिपोर्ट नहीं भेजा है। ओके, और सम्यक नाम आया उसे, शांति भाई के नाम आया इसलिए मैंने शांति भाई बोला। नो, दैट्स फाइन।
मुझे सच्चादन करने थे तो आज मैंने सच्चादन नहीं किया था क्योंकि मेरी प्रातः विधि और नमस्कार विधि रह गई। दादी माँ हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने मम्मी की मदद की थी, नौकर हम एक बार की थी, मतलब मैंने 10 टाइम्स की थी। किसको हेल्प किया था? मम्मी को। मम्मी को, मम्मी के किताब ने लिखा, मम्मी ने साइन किया, मम्मी ने हेल्प किया था? नहीं, वो साइन लेने का हमको बताने का, साइन एवरीडे क्या करते हैं, वो मम्मी मम्मी बोलते तो मम्मी अभी उसको रिपोर्ट भेज देना पड़ेगा एवरीडे मम्मी को। खुशी हाँ, हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा पहला गोल स्टडी में ये था कि मैं मैथ्स में 20 सम्स करूं रोज, तो मैंने आज 20 सम्स नहीं किए थे। और मुझे हेल्थ में मेरा ये नियम था कि मैं 6 o'clock को उठू, पर मैं आज 6 o'clock को नहीं उठी थी, मैं 8 o'clock को ही उठी थी। और आज मुझे सारे सत्साधन करने थे तो मैंने आज नहीं किए सारे सत्साधन। नमस्कार विधि प्रातः विधि रह गई। ठीक है, नहीं की? नहीं की। क्यों? आज सुबह जल्दी नहीं उठी इसलिए। तो बहुत अच्छा काम किया आपने, लेकिन आप उठते नहीं है तो किसी और को बताते नहीं कि अगर मैं नहीं उठी तो उठाना मुझे? हाँ? मम्मी उठाती है, मैं नहीं उठती हूँ। तो जो उठाते कौन है? मोनिका उठा सकती है? नहीं, मम्मी उठाती है। लेकिन मोनिका उठा सकती है? हाँ। हाँ तो उसको बोलो, उसको बोलो उठाने को, डंडा मार के भी उठाए। क्या हो गया? वो डंडा मारेगी तो अच्छा नहीं है, बोलो ना। नहीं। मम्मी तो मार नहीं पाएगी, तो आपकी प्यारी बच्चियां हैं, तो समझ में आया? हाँ। ऐसा है, डिसिप्लिन नहीं होती है ना, तो फिर थोड़ा वो नहीं करना चाहिए। पनिशमेंट के बगैर तो आप क्यों उठेंगे, थोड़ा पनिशमेंट तो करते नहीं है। और यहाँ पर तो सिर्फ बोल देना है ना कि ये नहीं किया मैंने, मैं उठी नहीं इसीलिए, यहाँ कोई पनिशमेंट तो है नहीं। मिलिट्री में पता है 20 राउंड सारे ग्राउंड का मारने का होता है, या कुछ भी बोलेंगे, ये करो वो करो। अच्छा, बर्तन किचन में साफ करना है तो फिर वो भूल नहीं सकते, और खुद तो पनिशमेंट देते नहीं है ना। समझ में आया? देखो, मेरे साथ कई बार कोई होते नहीं है तो मैं 4 अलार्म रखता हूँ 5-5 मिनट का, ये नहीं हुआ तो दूसरा नहीं तो तीसरा नहीं तो चौथा, ऐसा करता हूँ। कोई उठाने वाला नहीं, कई बार सुना ही नहीं देता है, सो गया। समझ में आया? हाँ। तो आप कितना सिंसियर हो ना, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। आपका टारगेट अकम्प्लिश करने के लिए मार खाने में तो कोई हर्ज है? हाँ, सच्चिदानंद सोचना। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा पहला गोल हेल्थ में ये है कि मुझे सुबह 6 o'clock उठना है, तो मैं 6 o'clock उठा था। और मेरा दादा ज्ञान में पहला गोल ये है कि मुझे सच्चिदानंद पूरे करना है, तो मैंने आज सच्चिदानंद पूरे किए थे। और मेरा स्टडी में पहला गोल ये है कि मुझे आधा घंटा मैक्स करना है, तो मैंने नहीं किया था। तो टाइम पे वो भेजो, कौन सा टाइम है आधा घंटे? हाँ। कौन सा घड़ी का टाइम क्या है आधे घंटे का? कब टाइम मिलेंगे आपको? आठ से साढ़े आठ। ओके, सत्संग के पहले। ओके, तो मॉर्निंग की नाइट Night. Okay. आपने बहुत योर वॉज द बेस्ट रिपोर्ट। ओके, और अभी एक चार्ट लिखो उधर, यू गेट 100% मार्क टुडे, एक्सेप्ट दैट। टाइम टेबल भी भेजो। हीर दीदी, हाँ जय सच्चिदानंद, आज मेरे 3 गोल्स में ऐसा था, स्टडी में मुझे मैथ साइंस और इंग्लिश इंप्रूव करना था, तो आज मैंने मैथ साइंस की प्रैक्टिस की थी पर इंग्लिश नहीं किया था।
हेल्थ में मुझे एक्सरसाइज करना था पर मैं जल्दी नहीं उठ पाई तो नहीं हो पाया एक्सरसाइज। और दादा के ज्ञान में ये निश्चय किया था कि किसी का अभाव नहीं दुबाना है और मम्मी पे गुस्सा नहीं करना, तब मम्मी पे गुस्सा कर दिया। तो गुस्से और दादा तो बहुत। और आपका रिपोर्ट है तीन गोल लिखने, तीन नियम लिखने का है और चार्ट करने का है। ओके और और बच्चे लोग आप इतना बिजी है कि 10 मिनट जल्दी नहीं आ सकते। पद पद हम एवरीडे गाते हैं। ओके जय दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मैं रोटी और सारा खाना बनाना सीखूं, लेकिन आज मैंने नहीं सीखा था क्योंकि आज मैं बाहर गई थी। सेकंड गोल ये था कि मैं साइंस में इम्प्रूव करूं, तो आज मैंने वो साइंस पढ़ा था। और मैथ्स में 15 सम्स करूं, तो आज मैंने वो भी किए। अच्छा अभी आपका स्कूल नहीं है, आप एक्स्ट्रा स्टडी करते हैं आप? हाँ। ओके दीदी क्या है आपको? हाँ मैं ये कहना भूल गई थी, आज मुझसे सच साधन इसलिए नहीं क्योंकि कांति दादा हमारे घर पे आए आज, तो उसकी साथ करने का होता है ना, करना होता है। पर आज कांति दादा को बोलो चलो साथ में करेंगे। मैं पढ़ रही थी और तब हमारे घर पे सत्संग के लिए सभी आए थे, तो तब हो गई थी तो मेरी रह गई। नवनीत दीदी। जय सच्चिदानंद, मेरे स्टडीज में ये गोल है कि मुझे अपनी राइटिंग इम्प्रूव करनी है, वो मैंने आज की थी। सेकंड गोल में मुझे हेल्थ में मुझे रोज एक्सरसाइज करनी है, वो मैंने आज की थी। और थर्ड गोल दादा के ज्ञान में मुझे रोज कंप्लीट सत्साधन करने मेरी कीर्तन भक्ति रह गई थी, वो मैं अभी करूंगी सत्संग के बाद। और जिसने रिपोर्ट नहीं भेजा ओ माउन मम्मी पापा को रिपोर्ट करके बताना मम्मी ने क्या बोला पापा ने क्या बोला। तीर्थ, खुश, खुशाल, दर्शना, अरुष, दर्शन, रिता सीबा, सब मम्मी को पापा को बोलने का हमने भेजा नहीं था रिपोर्ट। मम्मी लोग क्या बोलते हैं वो हमको बताना कल। ओके दीपक दादा यू वांट टू से समथिंग? ये मुझे तो बहुत डर लगता है प्रकृति की सिचुएशन देखकर, क्योंकि इतना अच्छा बहाना बना देते हैं वो। अब तो पुत्र तो सत्संग के टाइम में आए होंगे ना, कि सुबह में विधि का टाइम तो सुबह में होता है ना अर्ली, कि जब कोई उठा नहीं होता तब तो हम सत्साधन करते हैं। उतना जल्दी आ गए थे वो लोग 6 बजे? नहीं तब मैं क्लासेस में गई थी सुबह में 6 बजे। नहीं क्लासेस मतलब तब मैं सो रही थी और 10 o'clock में क्लासेस को गई थी, तो कब आए वो मुझे नहीं पता। वही तो है आपका टाइम टेबल ही ढंग का नहीं है, फिर आपको एक्सक्यूज मिलता मम्मी ने ये कर दिया, गेस्ट आ गए, आप तो पुत्र आ गए, कोई ना कोई आ जाएंगे, आपका काम होगा नहीं। समझ में आया? हाँ। आपको कोई ना कोई बहाना मिल ही जाएगा क्योंकि आपका टाइम ही ठीक नहीं है। टाइम ऐसा होना चाहिए कि जहां पर आपका काम होता ही है उसका मिस होने का चांस ही नहीं है। समझ में आया? हाँ। ये टाइम टेबल मुझे भेज दो प्लीज, कभी हाँ। कुछ बात बनेगी नहीं तो आपकी बात ऐसे ही चलती रहेगी। यही सच्चिदानंद। और ये सब सत्साधन का टाइम क्या है सबका? साढ़े 5 सुबह। हाँ आप तो 6 बजे तो उठते। कल से मम्मी ने बोला मैं तुझे 5:30 बजे उठाऊंगी। ओके नवनीत दीदी। जय सच्चिदानंद। 6 o'clock खुशी
अहमदाबाद कौन सी खुशी अहमदाबाद अहमदाबाद 7 o'clock मोनिका 6:30 शाम को दादीमा दादीमा 6:30 शाम वो साथ में नहीं कर सकते साथ में करते हैं शाम को खुशी ऐसे रूल बनाओ तो ये तीनों बहनों से 6:30 उठ के करो ना साथ में दर्शना सुबह के 6:00 ओके आप दोनों साथ में 6:00 करने का एवरीडे 6:30 या चेन्नई वाले करेंगे ओके साथ में करते हाँ वेरी गुड फिर दीदी आपका टाइम नहीं है ना अभी तक नहीं है क्योंकि क्लासेस भी अभी शुरू हो गए तो जब फ्री टाइम मिलता है तब कर लेते हैं सत्साधन हमेशा सुबह करने का होता है अभी स्केड्यूल बताओ सब एवरीबॉडी टू प्रदीप दादा ये बातें करो बच्चों लोग को कि ये सत्साधन कर भी टाइम नहीं रखते तो क्या अच्छा होना बोलता है क्या करना बोलता है जी पहले सत्साधन जो हमें प्राप्त हुए हैं वो दादा भगवान खुद ही नव कलमे वगैरह बोलते थे और उन्होंने बहुत हमारी पुण्य के कारण उन्होंने करुणा से सब चीज दी है जिसमें नमस्कार विधि त्रिमंत्र सब में पूरे ब्रह्मांड के श्रेष्ठ पुरुषों को नमस्कार बताया गया है इसमें हमारा बहुत बड़ा फायदा है इसमें कोई पक्षपाती वाली बात नहीं है तो एक ज्ञानी पुरुष ने जो दी हुई चीज है तो जितना हो सके उतना हमें उनका विनय करना चाहिए और ये नियमित पढ़ने के लिए निश्चय करना चाहिए और अगर हम शायद कोई संजोग के हिसाब से चूक गए तो हमें हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए प्रायश्चित करना चाहिए क्योंकि ये हमारे कल्याण के लिए ये चीज है ये किसी रिकॉर्ड करने की और कुछ कोई दिखावा ये कुछ इसमें नहीं है उसमें कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है उसमें व्यवहार का भी फायदा है और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो भी फायदा है तो एक बार हमें ये कब लगेगा कि नमस्कार विधि नव कलम उनकी थोड़ी बहुत समझ हमारे जीवन में आएगी कि ये क्या चीज है तो हमें पढ़ने के लिए अंतर से एक भाव होगा अगर हम मिस करेंगे तो भी हमको फील होगा अरे रे आज मैंने ये नव कलम है नमस्कार विधि नहीं किया बहुत चलो किसी भी तरह से मुझे एक बार ये काम करना है क्योंकि दादा भगवान कहते थे कि जिसकी वैल्यू समझ में आती है तो फिर उनके लिए कुछ बोलना नहीं पड़ता है लेकिन ये समझ पक्की करनी चाहिए दूसरी बात ये है कि कई बच्चों ने बताया कि एक गलती के बारे में तो दादा भगवान कैसे थे जब उनको समझ में आया कि कोई हमारा अपमान करता है तो आत्मा का विटामिन है तो फिर वो पूरे दिन भर में एक बार वो ऐसे ढूंढते थे कि आज मुझे कहां से अपमान मिले और अपमान सजी बहन जी हाँ जी वो लोग तो मम्मी का अपमान करते हैं उनका कोई अपमान नहीं करता है ये मम्मी के मम्मी है सब अच्छा तो आपको घाटा हो जाएगा नुकसान हो जाएगा तो दादा भगवान ढूंढते रहते थे मुझे कहां से अपमान मिले तो फिर जैसे वो बिजनेस में लोग ऑर्डर के लिए बिजनेस में घूमते हैं मार्केटिंग में तो ऐसे दादा अपमान के लिए घूमते थे कि आज मुझे कहीं से अपमान मिले और वो तय करते थे कि आज मुझे 10 अपमान मिले तो अच्छा है और 1-2 अपमान मिले तो बोले आज यार मुझे 2 ही मिला 8 अपमान नहीं मिला तो धंधा अच्छा नहीं हुआ तो हमें भी एक दादा भगवान के मार्ग में आगे बढ़ना है तो हमें भी कुछ ऐसी बातें समझनी होगी कि हमारा प्रोग्रेस हमारा कल्याण
कहाँ पर है। तो अगर कोई हमें गलती दिखाता है तो दादा भगवान क्या कहते थे, होता है अच्छा हुआ जो गलती मुझे नहीं दिखती थी वो किसी और ने मुझे दिखा दी, तो हमें उनका उनको थैंक्स बोलना चाहिए, उनका उपकार मानना चाहिए। अगर ज्यादा शक्ति है तो उसको चाय नाश्ता खिलाना चाहिए, लेकिन चाय नाश्ता तो नहीं कराते हम, लेकिन अगर उनका उपकार मानने की शक्ति आ जावे तो हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि हर इंसान को एक आदत है कि मैं सही हूं, और ये जो मैं सही हूं वो जो अंदर बिलीफ पड़ गई है तो गलती दिखती है, फिर भी कोई दिखाता है तो उनको स्वीकार नहीं होता है, तो वहां बहुत बड़ा नुकसान है। इसीलिए कविराज साहब ने भी लिखा है कि भूलो पोतानी जोरारा जगत में थई सके भगत। तो हमें कोई गलती दिखावे तो उनको थैंक्स, उनका उपकार मानना चाहिए बाय हार्ट। दूसरी बात, आप लोग बोलते हैं कि मम्मी के साथ मम्मी पर मैं गुस्सा कर दिया, तो हमें ये सोचना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम के बारे में गुस्सा ही सॉल्यूशन है, और दूसरा कोई सॉल्यूशन कोई रास्ता है। दूसरी बात कि मेरे पर कोई गुस्सा करे तो मुझे अच्छा लगता है, तो दादा भगवान ने बताया जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप दूसरे को नहीं देनी चाहिए। गिव एंड टेक को समझ में आया ना थोड़ा बहुत? तो हमें अभी ये सत्संग में आने से हमारी समझ में धीरे धीरे चेंजेस आएगा, लेकिन अब आएगा कि हमें अंदर से ये दादा की दृष्टि को समझ करके उस मार्ग पे चलना है। कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे इस रास्ते पे चलना है, ऐसा अंदर बाय हार्ट आपका जैसा एक बार डिसाइड हो जाएगा तो अंदर अपने आप शक्ति बढ़ती जाएगी और गलतियां दिखेगी, और आप कच्चे पड़ जाओगे तो ऑन द स्पॉट प्रायश्चित भी हो जाएगा, क्योंकि खुद की गलती खुद को दिखेगी, ऐसा ही दादा भगवान का ज्ञान प्रकाश और ऐसा ऐसी समझ है, तो हमें उसका बहुत फायदा उठाने जैसा है। तीसरी बात, आप लोग पढ़ाई के बारे में जो शेड्यूल बनाया है, विधि के बारे में बनाया है, तो हमें ये तय करना ये सोचना चाहिए कि भी मैंने ये शेड्यूल ये प्रोग्राम क्यों बनाया है, किसके लिए बनाया है, बराबर ना? अगर गलती हो गई तो हमें ये होना चाहिए कि बार बार मैं गलती करूं और माफी मांगू, क्या ये सही रास्ता है? नहीं तो ऐसा ही कर दूं कि गलती करनी नहीं है बस। आपको समझ में आया थोड़ा? हमें बुखार आते हैं, डॉक्टर ने बोला कि खाना नहीं है गोली खाओ, फिर उन्हें बोला मिर्ची नहीं खाने का है तो फिर मिर्ची खाते हो, फिर गोली खाते हो, फिर मिर्ची खाते हो, तो फिर वो हमारा जो जो हमारे शरीर में जो डिसीज है, रोग है, वो कैसे मिटेगा? तो हमारे अंदर जो वीकनेस है तो उनको बराबर समझ लो और कैसे उसका सॉल्यूशन लाया जाए, इस वीकनेस से मुझे मुक्त होना है, गलतियों से मुक्त होना है। तो वो धीरे धीरे हमें ये पूरे पूरी पक्की समझ सत्संग में पक्की करनी चाहिए, पूछ लेना चाहिए और उस रास्ते पे चलना चाहिए। और मैं जब तक मानता हूं नहीं, लेकिन मेरा अनुभव है कि जो दादा भगवान के पास शक्ति मांगेगा तो उनको शक्ति मिलेगी, लेकिन अभी आप मांगते हो कि नहीं मांगते हो वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरा पूरा जीवन का इतने 63 साल की उम्र के बाद भी मैं जैसे जैसे दादा को प्रार्थना करता रहता हूं तो उनका प्रकाश, उनकी शक्ति, उनकी हाजिरी, उनकी कृपा काम करती है और मेरा मुझे अनुभव होता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, दिन में करीब 5-10 बार तो ऐसे ही बोल देता हूँ कि जय हो दादा भगवान, क्योंकि वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। जो जिस बारे में मैंने उनको बात बताया हो सुबह में,
दो दिन पहले, चार दिन पहले, तो वो मुझे हमेशा गाइड करते हैं, मुझे लाइट देते हैं। और क्या करते हैं आपको पता, आप जब सुनोगे तो अगर वो गलती होने का कोई संयोग अंदर से खड़ा होने की कोशिश करता है कुछ बोलने का, तो अंदर से दादा भगवान की कृपा से क्या होता है पता है, जैसे दादा बोलते हैं ऐसा अनुभव होता है कि हम मोक्ष में जाने के लिए आए हैं। निमित्त को निर्दोष देखने की कोशिश करो, वो करता नहीं है, वो शुद्ध आत्मा है। और जब खुद कोई व्यक्ति खुद का अहित करते हुए दिखता है तो दादा भगवान कहते हैं कि आप उनके लिए प्रार्थना करो, हे दादा भगवान उनको शक्ति दो और उनके पर कृपा करो कि वो जो खुद की जो नुकसानी करता है इससे बच जावे। तो दादा बहुत हाजिर है और कैश बैंक है, तो पढ़ाई के बारे में, हेल्थ के बारे में, प्रार्थना के बारे में, कोई भी बारे में आपको अगर लगे तो मुझे लगता है कि आपको दादा को एक बार प्रार्थना करनी चाहिए। आप शायद करते होंगे ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन रिजल्ट मिलना चाहिए, रिजल्ट अवश्य मिलेगा आपको। तो समझ में है, कोई करते हैं? अच्छा दीदी, प्रदीप दादा क्या बोला, आप कुछ लिखते हैं? दादा आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रदीप दादा ने क्या बोला, बाद में हम पद सुनेंगे। हाँ। प्रदीप दादा ने ये बोला अभी कि अगर हम दादा से शक्ति मांगेंगे तो हमें अवश्य शक्ति मिलेंगे, और हमें जो शक्ति, हम जो शक्ति मांगते हैं उसका हमें रिजल्ट मिलना ही चाहिए। ओके, आप शक्ति नहीं मांगते हैं ना, इसलिए झगड़ा बहुत करते हैं एवरीडे। मैं रोज निश्चय करती हूँ कि आज मम्मी के साथ झगड़ा नहीं करना, पर फिर भी हो ही जाता है झगड़ा। तो दादा को बोला नहीं, पीछे से पराय प्रस्तावा होता है, होता है, इसलिए मम्मी से सॉरी बोल देते, फिर भी वैसे तो वैसे हो जाता है। अभी सॉरी मत बोलने का, अभी 10 दफा कान पकड़ के उद्वेश करने का मम्मी के सामने। दीपक दादा दिखाएंगे कैसे प्रतिक्रमण करने का। दीपक दादा से पूछ लेना। ये प्रदीप दादा अभी ये करेंगे कान पकड़ के 10 उठ करने का। ओके, ये आपका ये पार्ट ऑफ प्रतिक्रम है। ओके, जय सच्चिदानंद। अभी प्रदीप दादा